हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ क्या होगा 12 फरवरी को। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल भी देखा होगा और मैं यही बात करने वाला हूँ कि 12 फरवरी को आखिर क्या होगा। ट्राई के नए रूल के अकॉर्डिंग नए पैकेजेस आएंगे, नए बुके रेट आएंगे, क्या फैसला होगा, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, ट्राई के नया रूल का अनाउंसमेंट 1 जनवरी 2020 को ही कर दिया गया था और साथ ही ये भी बोला गया था कि 15 जनवरी तक सभी ब्रॉडकास्टर अपने नए रिवाइज रेट के साथ अपने वेबसाइट पे साथ ही DPS को नोटिस कर दें ताकि उसके अकॉर्डिंग वो नए पैकेजेस, नए बुकेज सारे कुछ अपने प्लेटफॉर्म पर इम्प्लीमेंट कर लें और 1 मार्च 2020 से वो रूल लागू हो जाए। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है क्योंकि 12 फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था ब्रॉडकास्टर साथी ऑल इंडिया सॉरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने मिलके जितने सभी ब्रॉडकास्टरों ने मिलके जो केस करा था बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसकी जो हेयरिंग डेट है 12 फरवरी है। यानी कि 12 फरवरी को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाया जा रहा है क्योंकि अगर 12 फरवरी कोई अपडेट नहीं आया, किसी के हक़ में अगर फैसला नहीं हुआ, तो 1 मार्च को क्या ट्राई का नया रूल लागू हो पाएगा? क्योंकि 12 फरवरी को अगर नया रूल आ जाता है या तो ब्रॉडकास्टर के हक़ में या तो अगर ट्राई के हक़ में आता है, तब तो ब्रॉडकास्टरों को अर्जेंटली नए प्राइस लॉन्च करने होंगे, तभी 1 मार्च से ट्राई का नया रूल इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अदरवाइज़ एक और पोस्टपोन देखने को मिल सकता है क्योंकि बता दो मद्रास हाई कोर्ट में भी जो केस चल रहा था उसकी भी हेयरिंग मार्च में दे दी गई है, साथ ही गुजरात हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, केरल हाई कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में भी सारे IBF ने केस करा हुआ है। वहाँ पे 12 फरवरी को हियरिंग होने वाली है। 12 फरवरी को अगर ट्राई के हक में फैसला आया तो डेफिनेटली 1 मार्च से आपका TV का बिल कम हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से पैकेजेस बताए गए हैं बनाने के लिए, अगर उस पर अगर ब्रॉडकास्टरों ने अमल कर लिया तो तभी हो पाएगा। अन्यथा 12 फरवरी को अगर ट्राई या ब्रॉडकास्टर के हक में फैसला नहीं आया या अगर कोई नया हियरिंग डेट दे दिया गया तो एक बार ये मामला फिर से अटक जाएगा और आपका TV का बिल बढ़ जाएगा क्योंकि कुछ ब्रॉडकास्टरों ने अपने नए रेट जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन्हें नोटिस भी दे दिया है कि 1 मार्च से उनके नए रेट जो कि सारे चैनल इंक्रीज करके ही उनके बुके से वो रेट लागू हो सकता है, जिससे आपका TV का बिल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो आज है 10 फरवरी, बुधवार को है 12 फरवरी और 12 फरवरी को आपको फाइनली डिसीजन आने वाला है बॉम्बे हाई कोर्ट के तरफ से किसके हक़ में फैसला आएगा, ब्रॉडकास्टर के हक़ में कि ट्राई के हक़ में। तभी 12 फरवरी के बाद ही ये पता चल पाएगा कि TV का बिल कम होगा या नहीं होगा। तो 12 फरवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है DTH और केबल TV के ग्राहकों के लिए, साथ ही DPS के लिए। तो हमें 2 दिन और इंतज़ार करना है, 2 दिन के बाद फाइनली पता चल जाएगा कि क्या नेक्स्ट हियरिंग डेट मिलता है कि कुछ फैसला आता है। तो होप सो गाइस यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट।